हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम आए फोटो शूट करने और मेरे साथ है दो बिगनर फोटोग्राफर, यानी कि मेरे दो दोस्त हैं जो कि फोटोज़ क्लिक करने वाले हैं। आज टोटली फोटोज़ क्लिक होंगी एआई के थ्रू, यानी कि क्लिक ये लोग करेंगे क्योंकि ये लोग बिगनर है और इसको हम एडिट करेंगे एआई में। क्योंकि देखो क्या होगा कि ये लोग नॉर्मल फोटो क्लिक तो कर देंगे, इनको बोलूँगा फोकस करके क्लिक करो, बट क्या होगा फ्रेमिंग होगा, बैकग्राउंड होगा, वो सारा कुछ एआई चेंज करेगा। तो देखते हैं आज कैसी फोटोज़ क्लिक होती हैं और कैसी फोटोज़ एडिट होके कैसा रिजल्ट आता है। तो फर्स्ट है हमारे साथ माही भाई, जो कि मेरे साथ काफ़ी पहले से आप लोगों को पता है। तो भाई आता ना फोटो खींचना? बिगनर बोल रहे हैं भाई, साल पहले इनके साथ फोटो शूट करता रहा हूँ मैं। अच्छा, पर भाई प्रॉपर फोटो शूट करना आता है? नहीं, वही है ना। तो मतलब कैमरा हैंडलिंग मैं बता दूंगा कैसे उसे फोकस करना है, मतलब इतना तो समझ जाते हैं, तो बस क्लिक कर लेंगे। सेकंड है मनिंदर भाई, और इनको भी फोकस करना आता ही है, बाकी फ्रेमिंग ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे एआई में। तो करते हैं फोटोज़ को क्लिक और आप लोग दिखाते हैं कैसी होती हैं। तो चलो फिर करते हैं फोटोशूट स्टार्ट। हाँ भाई, अभी आप कह रहे थे ना आपको आता है, तो बताओ आप कैसे क्लिक करोगे? गेम ओवर। बताओ देखो कैसे क्लिक करो। नहीं नहीं, कैमरे में बताओ ना। हाँ बताओ, कैमरा ऑन कैसे होता है? अरे ये रहा ऑन, यहाँ से होगा भाई, ये देखो ये ऐसे। अरे ये इजी है तुम्हारा, 200 की तरह सेम। अच्छा, और बाकी कैम देखो, फोकस यहाँ पर दबाना है, फेस पे क्लिक करना। हाँ बस डन डन। भाई बंदा टैलेंटेड है यार, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, तुम बहुत टैलेंटेड हो। आई नो ब्रो, सिखाया है रात में डन। हाँ ये बस यही सुनना था। तो अभी हम लोग फोटोज क्लिक करने वाले यहाँ पे नीचे। भाई टॉप एंगल से क्लिक करना, नीचे ना रोड दिखाना। अडो फायरफ्लाई में हम लोग बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं या फ्रेम जो भी सेट करने वाले हैं उसमें। तो अभी हम यहाँ सड़क पे क्लिक करेंगे और उसमें हम सिलेक्ट करके उसको कमांड दे देंगे कि भाई हमें सड़क है ना इतनी लंबी चाहिए या सिटी वाली चाहिए, जो भी चाहिए, वो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। काफ़ी कमाल का मतलब ये व्लॉग होने वाला है, फोटोज़ काफ़ी कमाल की होने वाली है एडिट के बाद, क्योंकि क्लिक तो भाई माही भाई ने करना है, वो आप लोग रिजल्ट देख लेना साथ के साथ। तो आपको बिफोर आफ्टर दिखाएंगे कैसे क्लिक हो रही है और कैसा रिजल्ट आ रहा है। चलो फिर करते हैं क्लिक, आ जाओ। तो काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि भाई आपके पास कौन सा कैमरा कौन सा लेंस है, तो माही भाई बताएगा आज कौन सा कैमरा कौन सा लेंस है। बताओ भाई, ये कैनन का आर है। हाँ कैनन का आर है। लेंस बताओ। लेंस भाई ये है 50mm लेंस लग रहा है। क्या बोला तूने? अरे यार हद है, यहाँ पे 100mm लेंस है। हाँ 100mm लेंस है यार, मतलब 50mm सुन के ना 50mm बोल दिया भाई ने। इन्होंने 50mm ज्यादा लगाते नहीं, इसीलिए आज मैंने देखा नहीं। ठीक है समझ गया। तो गाइज अभी हम यहाँ पे यूज़ करें कैनन आरो 50mm है ना 100। और यहाँ पे आप लोग बता दो, हमारी कैमरा सेटिंग 640 पे शटर स्पीड है, 2.0 अपर्चर है एंड 100 पे ISO है। इस सेटिंग में हम लोग कर लेंगे फोटो को क्लिक। काफ़ी बार लोग पूछते हैं कौन सी सेटिंग है कैमरे की, तो इसमें हम लोग कर रहे हैं फोटो क्लिक। पहले कोई फोटो बस ये आनी चाहिए बढ़िया कि हमें। हाँ सही है भाई, अरे मस्त है भाई ये तो। हाँ मस्त है भाई, सही आ रखी भाई, फोटोज काफ़ी सही आ गई हैं मेरे को तो भाई, ऐसे ही पसंद आ रही है। बाकी इसको हम एक और लेवल ऊपर लेके जाएंगे, देखते हैं एआई की मदद से कैसे जाता है। तो जिसके लिए हम यूज़ करने वाले अडोब फायरफ्लाई, तो उसमें देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं अडोब फायरफ्लाई की वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जनरेटिव पे, और यहाँ पे हम अपनी फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लेंगे। और अपनी फ़ोटो आ चुकी है, और यहाँ पे हम लोग इसका इरेज कर देंगे जो बैकग्राउंड एरिया है, हम अपने सब्जेक्ट को छोड़ देंगे एंड लोअर ग्राउंड को भी छोड़ देंगे, सिर्फ बैक एरिया जो थोड़ा थोड़ा रफली हम इरेज करेंगे। देन यहाँ पे इरेजर टूल लेके हमने इरेज कर लेना इसको पूरा। देन बाकी आप देख सकते हैं हमने सिंपली सिर्फ सब्जेक्ट को रखा है, रफ सा इरेज किया है, और उसके बाद हम बैकग्राउंड में कुछ भी लिख देंगे लाइक एम्प्टी रोड वगैरह है ना, एंड कुछ भी आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो प्रॉपरली, मैं तो जस्ट रफली लिख रहा हूँ एंड इसको कर देंगे जनरेट। तो यहाँ पे देख सकते हो चार ऑप्शन आ चुके हैं, और ये काफ़ी सही है यार, मतलब आप ये देख सकते हो, तो रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है बिफोर एंड आफ्टर में, आप लोग खुद देख के बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेके आऊँ, जनरेटिव फिल को कैसे यूज़ करें और कैसे एडिट करें अपनी फोटो को प्रॉपर, तो मुझे एक कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा इन फोटोज़ को सबको मैंने कैसे एडिट करा डिटेल में। मैं कह रहा हूँ दो चार फोटोज और क्लिक कर दो अपलोड करने के लिए, मजा आ जाएगा, मतलब मस्त आ रही है ना, आता है तुम्हें काम, वेल डन, तालियां होनी चाहिए। तो बाकी अभी हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे और वहाँ पे क्लिक करते हैं, आप लोग दिखाते हैं कैसी फोटो जाती है नेक्स्ट लोकेशन पे। चलो आज फिर चलते हैं, पहलवानी छोड़ी है, भूली नहीं है। तो गाइस अभी यहाँ पे हमारी सेकंड लोकेशन है, सेकंड लोकेशन पे हम फोटो शूट करने वाले, जैसे कि पीछे ना बिल्डिंग्स है, तो हम एडिटिंग में है ना एआई को बोलेंगे कि बिल्डिंग ऐड करो, तो देखते हैं वो कैसा ऐड करता है। हम यहाँ पे बाइक के पास,
ठीक है भाई तुम्हारी फोटो खींचेंगे हम, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे पोजिंग करने वाला हूँ, अभी फोटो क्लिक करेगा मनिंदर, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को पता है माही ने क्लिक करी थी, तो अभी हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग वाली फोटोज क्लिक करते हैं और देखते हैं AI कैसी बिल्डिंग कैसी सिटी जनरेट करता है, ये देखते हैं एडिटिंग में कैसा रिजल्ट आता। ये सही लग रही है, ओके सही है भाई। तो यहाँ पे दो तीन फोटोज आ गई हैं जिनमें प्रॉपर फोकस है, तो हमारा काम बन जाएगा, बाकी अब हम AI पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग सेकंड फोटो को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया जनरेटिव फिल्म में, और हम इरेज कर लेंगे बैकग्राउंड का एरिया, और यहाँ पे नीचे हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे, और सिलेक्शन तो हमने रफली करी और काफ़ी परफेक्ट देख सकते हो यार, पीछे बिल्डिंग मतलब रियल लग रहा है, हेयर के एजेस देख लो, वो सारा कुछ इसमें ऑटोमेटिक ही एडिट कर दे, और मेन ये है कि चार ऑप्शन दे रहा है। बस इससे पहले हल्के से दबाओगे फेस पे फूक जाएगा ना, तो क्लिक करना है यार। भाई साहब इतने भी बिगनर दोस्त के साथ मत बोलना, ठीक है, कह रहे कौन सा दबाना है। तो भाई अब नहीं आता है तो पहले एक बार बताना चाहिए ना। बताया मैंने पहले भी, अरे कितनी बार तुमसे क्लिक करवाया, बता बता के, बस एक बार ट्राई करके देखो सही आता है, बैठ के नीचे कर रहे हो, मैं तो आ भी गया, हद एक क्लिक करी जा रहा है भाई, मैं तो आ भी गया था ये रास्ते में आते। अरे यार नहीं यार, फोटो तो अच्छी क्लिक करी माही भाई ने, ये समझ रहे मुझे आता नहीं है सही। अच्छा गाइस तो ये देखो पैर काट दिए, एक जगह पैर काटे हैं, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि तीन चार फोटो अच्छी आ जाए, दो चार बेकार आएंगे, बिगनर दोस्त क्लिक कर रहा है, पर ये अच्छी क्लिक करी भाई, आई प्राउड ऑफ, बहुत अच्छी क्लिक करी, अच्छा लगा। चलो अब बाकी AI का कमाल देखते हैं इस पे। और सिलेक्शन तो हमने रफली करी और काफ़ी परफेक्ट देख सकते हो यार, पीछे बिल्डिंग मतलब रियल लग रहा है, हेयर के एजेस देख लो, तो वो काफ़ी सही चीज़ है। और जैसे कि देख सकते हो मैं ऊपर वाला स्काई वाला एरिया सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ इरेज करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एरोप्लेन, देख सकते हो चार ऑप्शन आ चुके हैं एरोप्लेन के, उनमें से आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे फोटो शूट करने वाले, उससे पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यार चैनल में ना स्ट्राइक आ गया था, जिस वजह से मैं काफ़ी टाइम अपलोड नहीं कर पाया, बट आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जिसने नहीं किया, और यार नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आप लोग पता है चैनल की रीच कम हो जाती है स्ट्राइक आने के बाद, तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना उसके वीडियो को शेयर कर देना, और हम लोग काफ़ी कमाल के यहाँ पे फोटो शूट करने वाले हैं, तो एंड तक देखना और रिजल्ट कैसा रहेगा आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाऊंगा मैं। तो हम आ चुके हैं अपनी लास्ट ऑन लिस्ट लोकेशन पे, और हमारा लास्ट कंसेप्ट है जिसमें क्या रहेगा कि पीछे यहाँ पे ना, अरे पीछे अच्छा। तुम नहीं रहोगे, गजब बेइज्जती है। जो हमारा कंसेप्ट है जंगल वाला है, तो पीछे जैसे हमने ग्रीनरी रख ली है, और हम AI को बोलेंगे पीछे जंगल ऐड करने के लिए, हम यहाँ पे फोटो क्लिक करा लेंगे, जैसे कि जमीन के नीचे रियल ग्रास रहेगा ना तो रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। तो इतना हमें खुद से ऐड करके कंसेप्ट सोचना पड़ेगा, और फोटो क्लिक करने वाले हमारे माही भाई, तो ठीक है रेडी भाई आ जाओ, फिर यहाँ पे फोटो क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्रेम आना चाहिए तगड़ा, ठीक है। काफ़ी कमाल की आई है फोटोशूट के साथ, एडिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आप लोगों को पता लग गई होगी। AI के जरिए आप लोगों ने देख लिया कितना मतलब सही रिजल्ट दिया है इसने, बाकी मेन चीज़ रहता है कीवर्ड के ऊपर। कुछ फोटोज़ में मैंने जैसे कि टाइगर और बियर ऐड किया या टैटू ऐड किया, ये सब चीज़ें हमें लिखना पड़ता है, तो अगर आप चाहते हो डिटेल में वीडियो बना तो कमेंट में जरूर बताना, अगर 100 तक कमेंट आए तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस शूट हो चुका है, काफ़ी अच्छा शूट हो गया, काफ़ी अच्छी फोटोज़ भी आ गई, और आपने रिजल्ट देख लिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे सब थक चुके हैं, देख सकते हो नीचे बैठ गया भाई हो एंड मनिंदर भाई भी थक गए हैं शूट करते करते, और रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे फोटोशूट भी लोग आप लोगों को चाहिए, और किस किस टाइप की फोटोशूट भी लोग चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताना, और हम सबको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि हम लोग वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और फोटोज हम वहीं पर अपलोड करने वाले हैं। तो मैं बता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं ना, काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और ऐसे वीडियो चैनल पे आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड।